हेलो दोस्तों, नमस्कार। गिर रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है लखनऊ यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है वाया काचेगुड़ा होकर चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाए। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है लखनऊ यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है वाया काचेगुड़ा होकर चलती है और ये ट्रेन जो है लखनऊ से हर बृहस्पतिवार को यानी कि वीरवार थर्सडे को रवाना होती है और इसके तकरीबन 31 स्टेशन हैं। इस ट्रेन का नंबर जो है वो है 22684 जो कि लखनऊ से यशवंतपुर वाया काचेगुड़ा होकर चलती है और ये 2335 किलोमीटर की जर्नी जो है लखनऊ से यशवंतपुर बेंगलोर तक कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 55 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके कोचेस के बारे में तो इसमें ICF के कोचेस जो है दिए गए हैं और ये जो ट्रेन है लखनऊ से यशवंतपुर बेंगलोर तक चलती है। अगर हम बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। अभी मैं जो आपको किराया बताऊंगा ये लखनऊ से यशवंतपुर तक का बताऊंगा, बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर ले। सेकेंड एसी का जो किराया है वो है 3100 रुपये, थर्ड एसी का जो किराया है वो है 2105 रुपये और स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 800 रुपये। इसके अलावा इसमें जनरल अंडरजाव डिब्बे भी है जिसका किराया जो है 460 रुपये के करीब है। ये किराया अपडेटेड किराया नहीं है, आप अपडेटेड किराया जानने के लिए रेलवे की वेबसाइट जरूर रेफर करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं लखनऊ यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों, ये जो ट्रेन है लखनऊ यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो वाया काचेगुड़ा होकर चलती है, लखनऊ चारबाग से यह हर बृहस्पतिवार को यानी कि थर्सडे को शाम के 6:30 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। दूसरा जो स्टेशन आता है वो है रायबरेली जंक्शन, यहाँ पर ये रात के 8 बजे पहुंचती है और 8:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अमेठी स्टेशन में पहुंचती है 8:54 पे और 8:56 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद लखनऊ यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो वाया काचेगुड़ा होकर चलती है प्रतापगढ़ जंक्शन में पहुंचती है 9:55 पे और 10 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है इलाहाबाद जंक्शन में पहुंचती है 12:25 पे और 12:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 30 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद लखनऊ यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है मानिकपुर जंक्शन में पहुंचती है, यहाँ पर ये ट्रेन जो है 2:30 पे पहुंचती है और 2:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सतना जंक्शन में पहुंचती है, सतना जंक्शन जो है मध्य प्रदेश का एक स्टेशन है, यहाँ पर ये 3:45 पे रात को पहुंचती है और 10 मिनट बाद 3:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कटनी जंक्शन में पहुंचती है सुबह के 5 बजे और 5:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जबलपुर जंक्शन में पहुंचती है, जबलपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 6:25 पे पहुंचती है और 6:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है नरसिंहपुर में पहुंचती है, नरसिंहपुर में ये ट्रेन जो है सुबह 7:48 पे पहुंचती है और 7:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पिपरिया स्टेशन में पहुंचती है 8:53 पे और 8:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 776 किलोमीटर की जर्नी जो है ये कवर हो कर लेती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है इटारसी जंक्शन में पहुंचती है, यहाँ पर ये ट्रेन जो है सुबह 10:25 पे पहुंचती है और 10:35 पे पहुंचती है और 10:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बैतूल स्टेशन में पहुंचती है दोपहर के 12:25 पे और 12:28 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र में नागपुर जंक्शन में पहुंचती है, यहाँ पर ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:10 पे पहुंचती है और 3:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सेवाग्राम जंक्शन में पहुंचती है, यहाँ पर ये ट्रेन जो है शाम के 4:18 पे पहुंचती है और 4:21 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बलहरशाह जंक्शन में पहुंचती है, यहाँ पर ये ट्रेन जो है 6:50 पे शाम को पहुंचती है और 7 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है तेलंगाना में एंटर करती है, तेलंगाना का जो पहला स्टेशन है वो है श्रीपुर कागज नगर, यहाँ पर ये शाम के 7:38 पे पहुंचती है और 7:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रामागुंडम स्टेशन में पहुंचती है रात के 8:48 पे और 8:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है काजीपेट जंक्शन में पहुंचती है रात के 10:18 पे और 10:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मलकाजगिरी जंक्शन में पहुंचती है, यहाँ पर ये ट्रेन जो है 1:14 पे रात को पहुंचती है और 1:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है।
उसके बाद ये ट्रेन जो है काचेगुड़ा में पहुंचती है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 1:25 पे रात को पहुंचती है और 1:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर इंजन भी चेंज होता है। उसके बाद ये ट्रेन जो है महबूब नगर में पहुंचती है 3:07 पे रात को और 3:09 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गढ़वाल जंक्शन में पहुंचती है 4:30 पे और 4:31 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 1905 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कर्नूल सिटी में पहुंचती है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 5:45 पे पहुंचती है और 5:47 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है धोने जंक्शन में पहुंचती है 7:00 और 7:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गुटी जंक्शन में पहुंचती है 8:08 पे सुबह और 8:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद लखनऊ यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है अनंतापुर स्टेशन में पहुंचती है 9:13 पे और 9:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है धर्मावरम जंक्शन में पहुंचती है 10:05 पे और 10:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये हिंदूपुर में पहुंचती है 11:23 पे और 11:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद लखनऊ यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है जो वाया काचेगुड़ा होकर चलती है वो येलाहंका जंक्शन बेंगलुरु में पहुंचती है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 12:53 पे दोपहर को पहुंचती है और 12:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने आखिरी स्टेशन यशवंतपुर जंक्शन में पहुंचती है 1:30 पे दोपहर को और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। लखनऊ से यशवंतपुर की जो दूरी है ये 2335 किलोमीटर की कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और शेयर जरूर कर दे ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।